अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त सा व्लॉग, और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सुबह सुबह से। यहाँ पर बन रहा है जी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट पे हम बना रहे हैं एग ऑमलेट। ये व्लॉग है जी ट्यूजडे का, और मंडे की शाम से ही तकरीबन ना बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, बादल जो है वो आ गए थे। तो मुझे लगता है कि सारी रात जो है वो बारिश होती रही है, क्योंकि जब तक तो मैं जाग रही थी वॉइस ओवर वगैरह कर रही थी, तो बिल्कुल अच्छी खासी जो है वो बारिश हो रही थी। तो मंडे की रात से बारिश जो है वो जारी है, और आज है जी ट्यूजडे, तो खैर जी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड सी हो गई है पहले से ज़्यादा। और गुजरांवाला में बारिश का ये सिलसिला रहा है कि मंडे की रात से बारिश जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी, और ट्यूजडे वाले दिन पूरा दिन जो है वो बारिश होती रही है। सर्दी काफी ज्यादा हो गई है, और अच्छा सा वेदर जो है वो हो गया है। खैर अभी हम मज़ेदार सा ये नाश्ता करते हैं, और जब इस तरह से बारिश वगैरह हो रही हो तो दिल करता है कि इस तरह से ऑमलेट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जो कि घर में ही बने और आसानी के साथ जो है नाश्ता हो जाए। तो चले जी नाश्ता करते हैं, और आपको लेकर चलते हैं छत पे और दिखाते हैं कि बारिश जो है अभी भी जारी है। तो यहाँ पर देखिए जी हम आ गए हैं छत पर, और छत पर मैं इसलिए आपको बारिश दिखाती हूँ क्योंकि हमने मग को कवर किया होता है तो नीचे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता बारिश हो रही है कि नहीं। तो इसलिए मैं जब भी वीडियो वगैरह मुझे बनानी होती है तो मैं छत पर ही आती हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पर जी अभी भी बारिश जो है वो हो रही है, और बादल अभी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से बादल हैं तो बारिश जो है वो जारी और सारी रहेगी, तो ऐसा ही रहा ट्यूजडे को। सारा दिन जो है वो बारिश होती रही, और कभी कभार रुक जाती थी, कभी कभार होने लग जाती थी, तो ऐसा ही वेदर जो है ट्यूसडे को रहा। तो यहाँ पर जी आज हमने बनाए हैं मिक्स वेजिटेबल, और दोपहर में ये बने हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने ऐसा नहीं की। उसकी वजह ये थी कि आज हमने एक यम्मी सी रेसिपी आपके लिए रेडी की है, जो कि इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो साथ ही साथ मैंने जी यहाँ पर अचारी चिकन भी गर्म कर लिया है, कल शाम को हमने बनाया था, तो दोपहर के टाइम मैं यही खाऊंगी। साथ ही साथ मैं ये भी शेयर कर दूं कि ऐसी कौन सी रेसिपी बनाई है, और ऐसा क्या आज हमने बनाया है कि बारिश का मजा जो है वो हो गया है दोबाला। तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज हमने बनाया है जी होममेड मेसू। स्वीट्स में, मिठाइयों में एक मेसू के नाम से मिठाई होती है जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी होती है और हम सबकी फेवरेट है, तो हम अक्सर वो घर में बनाते हैं, और स्पेशली जब ऐसा वेदर हो, बारिश हो रही हो, तो हम जरूर बनाते हैं। तो आज लकीली हम बना रहे थे, तो साथ ही साथ मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन उसे मैंने व्लॉग में शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि जब रेसिपी में शेयर करूं तो वो अलग से ही आपके साथ शेयर करूं, ताकि फिर मैं उस व्लॉग में सिर्फ रेसिपी से रिलेटेड ही आपको डिटेल दे सकूं। इस तरह से व्लॉग में शेयर करने से ऐसा होता है कि फिर व्लॉग से रिलेटेड जो है बात नहीं हो पाती, तो इसलिए मेसू की रेसिपी मैं अलग से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इतनी ज्यादा जबरदस्त और इजी सी इसकी रेसिपी है कि आप चुटकी बजाते इसको घर में रेडी कर लेंगे, और इतनी ज्यादा मजे की ये रेडी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे, और कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि आपने को घर में रेडी किया। इंशाल्लाह मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी अब हमने साथ में बनाई है चाय, और साथ में हम इंजॉय कर रहे हैं होममेड मेसू, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। तो यहाँ पर जी चाय वगैरह पीने के बाद टाइम हो गया है असर का, तो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो इसके बाद मुझे वॉश करने हैं जी बर्तन। और बर्तन चूँकि कोई भी दिन हो, कुछ भी हो, बर्तन तो बर्तन है जी, इनमें बरकत ही बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्तन जो है वो आपका वेट करते रहते हैं। तो आप बाकी अपने सारे काम कम्प्लीट करें और आ
आकर इनको वॉश करें, तो वही हाल है जी। तो यहाँ पर मैं बर्तन जो है वो वॉश करती हूँ। साथ ही साथ जी, अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहा है, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की बहुत सी नई नई वीडियोस, नए नए व्लॉग्स आप तक टाइम पर पहुंच सकें, आप इनको सबसे पहले देख सकें। और जो रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप जरूर उनको ट्राई करें और उनका फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आ रही है, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। तो यहाँ पर जी फटाफट से बर्तन जो है वो वॉश करते हैं और चलते हैं छत पे और देखते हैं वेदर कैसा है। और साथ ही साथ जी, जो अचार गोश्त हमने बनाया था, उसमें से जो बिल्ली का हिस्सा है वो भी डाल के आएंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ जानवर के खाने के लिए, परिंदों के खाने के लिए डालना चाहिए, तो मैं वो डाल आऊँगी। और पड़ा हुआ है उसका हिस्सा भी, तो अभी मैं बर्तन वॉश करके ऊपर जाऊँगी और वेदर भी देख के आऊँगी और आपको भी साथ लेके जाऊँगी। तो अभी आप यहीं पर रहिए और देखते जाइए मेरे व्लॉग को। हाँ जी, तो यहाँ पर बर्तन जो है वो हो गए हैं वॉश और अब हम चलते हैं जी छत पे और देखते हैं जी कि बारिश जो है वो अभी जारी है या रुक गई है, क्योंकि सारा दिन ऐसा ही रहा, कभी बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती थी कि अच्छी खासी आवाज़ें जो है वो आ रही होती थी और कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। तो चले जी देखते हैं, बिल्ली का ये जो हिस्सा है वो भी डाल देते हैं उसको, अगर वो आई तो खा लेगी, अगर ना आई तो फिर ऐसे ही रहेगा ये। तो यहाँ पर देखिए अभी भी बारिश जो है वो जारी है। तो खैर जी, यहाँ पर हम बिल्ली का हिस्सा जो है वो डाल देते हैं और यहाँ पर बारिश जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल ये हिस्सा जो है वो ड्राई था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। और ये मैं ना इसमें से सब्ज मिर्ची जो है वो निकाल रही थी। तो चले जी, ये काम हमारा हो गया और वेदर भी देख लिया, बारिश अभी स्टिल जारी है, हो रही है। सर्दियों की बारिश ऐसी होती है कि बस बूंदाबांदी जो है वो होती रहती है और यही मज़े होते हैं इस वेदर के। और ठंडा ठंडा सा अच्छा सा वेदर होता है, और इस मौसम में अगर आप सारा सारा दिन भी चाहें तो कम्फर्टर में से ना निकलें, बिल्कुल आराम सुकून के साथ ये दिन जो है वो गुजारे, लेकिन काम जो है वो भी साथ साथ देखने होते हैं, करने होते हैं। तो इसलिए जी थोड़े टाइम के लिए काम कर लिया और फिर दोबारा से जाके कंफर्टर में बैठ के सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं जाकर बैठ जाऊंगी जी कंफर्टर में। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त इस अपने मन के साथ कि आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं मेसू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।